हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, ये जो झजा देख रहे हैं, ड्रोन झजा, तो हम इसके ये जो डिजाइन वाला टाली है, ये डिजाइन वाला टाली हम इसमें लगाएंगे। तो लगाने का सही तरीका जान लीजिए। आप कहीं पे आप लोग काम करते हैं, इस तरह से टाली लगाना चाहते हैं, तो सही तरीका बता देते हैं, आपको कहीं गलती नहीं होगा और देखने में एक जैसा सीधा लगेगा। तो उसमें क्या करना है ये ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए, पहले एक ताली ले लीजिएगा, और एक ताली कहाँ से लगाना, देखिए एक किनारे से लगाना, ऐसा नहीं है जो बीच सही थे, बीच से नहीं लगाना है, किनारे से लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह से घोला घोल बना लीजिएगा, और घोल बनाने के बाद इस तरह से घोल लगा लीजिएगा। दोस्तों देखिए, एक तरफ लगा दिए, और इसको हम इंची टेप से नापी कर लें कितना निकालेंगे। और यहाँ से भी इसको सेटिंग कर देते हैं, इसी में घोल नहीं देंगे, इसमें कुछ नहीं देंगे, इसमें जो पटरा है पटरा लगा के हम चेक करेंगे। और एक दोस्तों देखिए, हल्का सा घोल ले लीजिए, हल्का सा घोल, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे भी एक गो लगा दीजिए। आप किनारे लगा सकते हैं, अगर ये लंबाई ज़्यादा रहेगा तो आप किनारे लगा सकते हैं। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं है, हम एक पट्टा से नापी करेंगे। देखिए इस तरह से, ये जो फंटी है इसी तरह से हम नापी करेंगे, क्योंकि धागा नहीं लगाएंगे। इसके चलते जितना तक फंटी है मेरा 6 फीट तक है, इसलिए 6 फीट तक लगा दीजिए, और यहाँ से भी नापी कर लेना है। दोस्तों ये अपना मर्जी से जितना रखिएगा उतना ही साइज रखिएगा दोनों को बराबर। और यहाँ से देखिए, फंटी हम लगा लेते हैं, आप धागा चाहे धागा लगा सकते हैं। इसको टेढ़ा है या सीधा है चेक कर लेना है। सीधा कर दें, सीधा करने के बाद फिर से नापी कर देना है कितना साइज निकल रहा है। तो मेरा दोनों बराबर निकल रहा है, और इधर से भी पूरा सही आ गया। देखिए इधर से कैसे नापी करते, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सटना चाहिए, और ये भी सटना चाहिए। और बाद में देखिए एक बार हटा देंगे, ऐसे इसको ज़्यादा घोल नहीं दी, फिर इधर से लगा के जाते हैं। देखिए किनारे क्यों घोल घोल दिए, किनारे इधर नहीं दें, इधर डोन है, इधर से मारेंगे तो इधर आएगा सब घोल, और इधर बाहर निकालेंगे थोड़ा सा। और दोस्तों देख लीजिए, ये जो सर्किट है, ये सॉकेट एक तरफ लगाइए, ऐसा नहीं है जो एक गो इधर लगा दिए ऊपर तरफ, एक गो नीचे तरफ, ऐसा नहीं करना, एक साइज लगाना है। फिर 3-4 गो लगाने के बाद फिर से एक बार नापी कर लीजिएगा। क्या सही है, इस तरह से चेक कर लेना, मतलब सही है।
और इस तरह से पूरा लगा दीजिए, फिर दूसरा लाइन में ऐसे लगाना है। देखिए फिर से चेक कर लेना इसी तरह से, ये पहला लाइन को बार बार चेक करना है, कहाँ भाग रहा है उसको देखना है। इसको बार बार ध्यान नहीं दीजिएगा तो दोस्तों क्या होगा, ये सब धीरे धीरे नीचे तरफ चल जाएगा। और ये टाली लगाने से पहले बढ़िया से मजबूत करके भींगा लीजिएगा, ये बाल्टी रखिए या टॉप कुछ भी रखिए सामान, इसको भींगाने का पहले भींगा लिए। देखिए इधर पानी निकल रहा है, ऐसे भींगा है अंदर में घोल मारे हैं, घोल दिए तो देखिए इधर पानी निकल रहा है। तो दोस्तों देखे एक लाइन पूरा हो गया है, मेरा पहला लाइन था ये पूरा हो चुका है। देखे यहाँ से यहाँ तक सेकंड लाइन लगाएंगे, तो सेकंड लाइन देखिए किस तरह से लगाना है। सेकंड लाइन लगाने के लिए बीच लाइन से घोल मारना है, पहले पीछे तरफ दिए थे आगे तरफ देना है। देखिए इस तरह से घोल ले लीजिएगा और ऐसे लगाइए। देखिए ऐसे लगा दीजिए, मतलब ये जो सॉकेट है ये सॉकेट से बैठना चाहिए सही से। फिर दोबारा ले लीजिएगा, इसको कोई नापी करने का जरूरत नहीं, सिर्फ सॉकेट से बैठा दीजिएगा सही आ जाएगा। फिर ये सेंटर लाइन देख लीजिएगा एक बार, ठीक है इस तरह से। ये कितना बढ़िया से बैठ चुका है, इसी तरह से बैठेगा। इसको देखिए ये जो सॉकेट दिख रहा है सॉकेट, ये पीछे से मत लगाइए, सॉकेट से लगाइए ध्यान से। और इसको हटा लीजिएगा क्योंकि नहीं तो बैठेगा नहीं, टाली जो है यहाँ पे गैपिंग दिखने लगी। देखिए इस तरह से पूरा बैठेगा, ये सेंटर लाइन देख लीजिएगा। देखिए इसी तरह से होगा पूरा, आराम से देखिएगा, फिर ऊपर तरफ पूरा ऐसे लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और दोस्तों इस चैनल में कोई पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।
दोस्तों देखिए ये पूरा टाली इसी तरह से लगेगा जैसे हम लगाएं, फिर इसको ऊपर तरफ पूरा लगा दीजिएगा, सही तरीके से लगाइए। और इसको जो गैपिंग दिख रहा है उसको घोल मार दीजिएगा बढ़िया से, इसमें कलर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेरा कट पीस लगेगा, तो कट पीस इस तरह से बीच में दीजिएगा, जैसे कि किनारे मत दीजिएगा गिर जाएगा, तो बीच लाइन में मेरा कट पीस देना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर किनारे दे दीजिएगा तो ये बाद में गिर जाएगा, इसको अंदर दे दीजिएगा। हो गया, इसको इस तरह से बढ़िया वाला लगेगा। इसी तरह से पूरा लगेगा।